फैक्ट नंबर वन, बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ही दो डाला। कैसे, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में एक भरे मंच पर उन्होंने कहा कि हमने तो पाकिस्तानी कलाकार नुसरत फतेह अली खान और मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए हैं, लेकिन आपके मुल्क में लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों दोनों मुल्कों के बीच फिजा इतनी गर्म है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पर कैसे कैसे हमले हुए हैं, और वो लोग नॉर्वे से तो आए नहीं थे और ना ही इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। और अगर ये शिकायत किसी हिंदुस्तानी के दिल में है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की गलती है। गाइस, जावेद अख्तर के इस बात पर वहां मौजूद हर पाकिस्तानी ताली बजाने लगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो 16 आने सच था। फैक्ट नंबर टू, महाकाल की नगरी उज्जैन में कोई भी सत्ताधारी रात को रुकने से डरता है, फिर चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, सबके मन में यही खौफ रहता है कि अगले दिन उनकी कुर्सी ना छिन जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। जी हाँ गाइस, कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ एक ही राजा रह सकता है और वो है खुद महाकाल यानी कि महादेव, क्योंकि रिपोर्ट से बताती है कि जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे तो वो यहाँ एक रात के लिए रुके थे, जिसके दूसरे दिन ही उनके इस्तीफे की खबर अखबार में छप गई थी। यही नहीं, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी यहाँ एक रात के लिए रुके थे और कुछ दिनों के अंदर ही उनकी सीएम की कुर्सी चली गई थी। और ये सिर्फ एक राजा या एक मंत्री के साथ ही नहीं हुआ, राजा भोज से लेकर सिंधिया परिवार तक कई ऐसे सत्ताधारी मंत्रियों के साथ एक घटना घट चुकी है।